अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में हमने देखना है द एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्राइज पोर्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिसोर्सेज को और इंटीग्रेशन यूजिंग एन एंटरप्राइज पोर्टल को। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्राइज पोर्टल्स। तो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल जिसको हम EIP बोलते हैं उसको हम एंटरप्राइज पोर्टल EP भी कहते हैं या कॉरपोरेट पोर्टल CP भी कहते हैं। दिस इज अ सिंगल गेटवे वाया नेटवर्क टू रेलिवेंट वर्कफ्लोस, एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड डेटाबेसिस टेलर टू द स्पेसिफिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। ये एक सिस्टम होता है जो कि किसी भी खास किस्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। और ये इसके अंदर एप्लीकेशन सिस्टम होता है, वर्कफ्लोज होते हैं और डाटाबेस इसका यूज होता है इसके अंदर। अच्छा, अब जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन पोर्टल होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है डिपेंडिंग अपॉन द जॉब ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पर्सन एक्सेसिंग द पोर्टल। कि जो हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ये पोर्टल का जो व्यू होता है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय पोर्टल इज डिफाइंड इन दिस वे। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय सिस्टम है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको इस वे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दिस इज अ सिंगल गेटवे दैट इनेबल्स ऑल एम्प्लॉयज टू एक्सेस प्रोसेसेस, सिस्टम्स, वर्कफ्लोस एंड डेटाबेसिस वाया द नेटवर्क टू कैरी आउट देयर रेलेवेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद फुल सिक्योरिटी एंड फायरवॉल प्रोटेक्शन। के एक कंप्लीट सिक्योर और फायरवॉल प्रोटेक्टेड सिस्टम होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को एक्सेस देता है प्रोसेसेस की, सिस्टम्स की, वर्कफ्लोस की और डेटाबेसिस की। और ये सारी जो एक्सेस होती है ये नेटवर्क के थ्रू दी जाती है, यानी कि ये नेटवर्क के थ्रू ये सिस्टम जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं और उसके थ्रू जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी एक सेफ तरीके से, फायरवॉल प्रोटेक्टेड तरीके से अपना जो डाटा होता है वो एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लें कस्टमर पोर्टल की, तो उस तरह से जो कस्टमर पोर्टल है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ सिंगल गेटवे यूजिंग द नेटवर्क टू डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कैटलॉग्स एंड ऑर्डर एंड स्टेटमेंट्स स्टेटस फॉर कस्टमर्स टेलर टू यूनिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कस्टमर। के हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक्सेस देता है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, कैटलॉग्स की, स्टेटमेंट्स की या जो जो भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं उन सब की एक्सेस दी जाती है। एन एंटरप्राइज पोर्टल दैट ऑफर्स पर्सनलाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट फंक्शन इज अ सप्लायर पोर्टल एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। कि जो सप्लायर पोर्टल होता है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ सिंगल गेटवे टू द परचेज ऑर्डर एंड रिलेटेड स्टेटस इंफॉर्मेशन फॉर द सप्लायर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। या फिर एन एंटरप्राइज पोर्टल एज अ पार्टनर शेयर होल्डर पोर्टल इज सिमिलरली अ सिंगल गेटवे फॉर बिजनेस पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। यानी कि जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे जो परचेज ऑर्डर्स होती हैं या जो रिलेटेड स्टेटस की इंफॉर्मेशन है, यानी कि हम जो चीज़ सप्लाई और चेन के मामलों में जो भी हमारी चीज़ें आती हैं लाइक परचेज ऑर्डर्स होता है या सप्लायर्स की डीलिंग होती है वो सारी सिस्टम में की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिसोर्सेज की। तो पहले आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा रिसोर्सेज। डेटा रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड एक्सेस टू स्ट्रक्चर्ड डेटा इन द डेटाबेसिस एंड डेटा फाइल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। कि जो डेटा वेयर हाउस और इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो हमें स्ट्रक्चर डेटा की जो एक्सेस होती है डेटाबेस में और डेटा फाइल की जो एक्सेस होती है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड दीज डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टिपिकली रिप्रेजेंट ओनली 10% to 30% ऑफ द नॉलेज, टोटल नॉलेज रिसोर्सेज इन मोस्ट एंटरप्राइज टुडे। कि आज के एंटरप्राइज के अंदर ये सिर्फ 10% से लेकर 30% टोटल नॉलेज का जो है वो हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करती है। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास आता है अनस्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज। अब अनस्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, ईमेल्स की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में। और ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिसोर्सेज होती हैं ये 70% to 90% जो नॉलेज होता है एंटरप्राइज का उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये आमतौर पे जो इनएक्सेसिबल होते हैं डेटा वेयर हाउसेस से या इंफॉर्मेशन सिस्टम से, और ये एग्जिस्ट करते हैं काफ़ी वर्जन में जो कि स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द एंटरप्राइज और डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में आ सकता है, एक्सेल की फॉर्म में आ सकता है, पावर पॉइंट, आउटलुक की फॉर्म में आ सकता है, या अगर आपकी एडोब एक्रोबेट PDF फाइल है तो उस फॉर्म में आती हैं। इसी तरह से इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो भी अपनी फॉर्म में आती है। यानी कि जो चीज़ें हमने ऊपर बताई थी कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में जो जो चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं वो सारी नीचे आ रही होती हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन यूजिंग एन एंटरप्राइज पोर्टल।
एंटरप्राइज पोर्टल जो होता है वो अपीयर करता है टू डिलीवर इंटीग्रेशन अक्रॉस मेनी डेटा सोर्सेज प्रेजेंटेड इन सेपरेट विंडो। इसके अलावा ये एक पोर्टल होता है जो कि प्रेजेंट करता है अपीयरेंस ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हमें ये शो करता है कि इंटीग्रेशन की अपीयरेंस है, और ये सपोर्ट करता है प्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन को। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लमेटिक बात ये भी होती है कि अंडरलाइंग डेटा जो होता है ना वो पहले इंटीग्रेट होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो होता है हमें ऐसे लगता है कि जो डेटा है वो इंटीग्रेटेड है लेकिन वो होता नहीं है। सो इसको वो इस तरह से लिख रहा है कि एक्सेस थ्रू अ पोर्टल टू नॉन इंटीग्रेटेड, दिस इज ऑल्सो हाईली डेंजरस बिकॉज द डेटा विल अपीयर टू बी इंटीग्रेटेड बट आर नॉट। असल में डेटा इंटीग्रेटेड होता है लेकिन वो हमें इंटीग्रेटेड नहीं होता, लेकिन हमें वो अपीयर हो रहा होता है कि वो इंटीग्रेटेड है, जिससे वो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डेटा में। अच्छा, आप कुछ आखिर में बात कर लेते हैं कि जो पोर्टल्स होते हैं ये कोई फंक्शन सपोर्ट करते हैं। अब पहला उसमें है ऑथेंटिकेशन सर्वर, दिस इज यूज टू डिफाइन यूजर आइडेंटिटी प्रोफाइल इन द पोर्टल रिपोजिटरी, इट मैप्स डेटा कंटेंट एंड पीपल टू अ डिफाइंड यूजर। यानी कि ऑथेंटिकेशन सर्वर में जो हमारा जो आइडेंटिटी प्रोफाइल्स की आइडेंटिटी होती है उसको डिफाइन किया जाता है रिपोजिटरी में, और यानी कि जो भी आपके पास डेटा है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी सर्वर्स होती हैं जो कि एक बहुत अहम चीज़ होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दिस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सिंगल साइन ऑन इंक्रिप्शन एंड ऑल्सो फॉर वेरियस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी सच एज HTTP और SSL। यानी कि आपकी जो सिस्टम होते हैं उनमें से सिक्योरिटी सर्वर्स का होना चाहिए कि वो आपके सिंगल साइन ऑन को सपोर्ट करें, इंक्रिप्ट करें आपके पासवर्ड और दूसरी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको, और जो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज होती हैं HTTP SSL उनको वो सपोर्ट करें और इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा इनमें सर्च इंजन की अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि इनमें सपोर्ट इनको करना चाहिए एड हॉक सर्चिंग अक्रॉस बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सेज। यानी कि जो भी हमारे पोर्टल के अंदर डाटा जा रहा है, कि पोर्टल के अंदर डाटा है और पोर्टल के बाहर डाटा है, उनमें जो भी डाटा स्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उनको सर्च की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। इसके बाद आता है कंटेंट मैनेजमेंट सर्वर, दिस स्कैन्स फिल्टर एंड कैटलॉग कंटेंट फ्रॉम डिस्परेट डाटा एंड रिसोर्सेज, इट ऑफन सपोर्ट वेब क्रॉलर्स ऑन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारा जो कंटेंट है उसके पे प्रॉपर स्कैनिंग होनी चाहिए, वेब क्रॉलर्स को सपोर्ट होनी चाहिए कि वो इंटरनेट के तौर पे या इंटरनेट या इंटरनेट दोनों केसेस में वेब क्रॉलर्स हमारी साइट पर आएँ और SEO के पर्पज़ के लिए उसको क्रॉल करें। इसके बाद आता है बिजनेस एनालिसिस सर्वर, कि दिस इज यूज फॉर बिल्ट इन द CN सपोर्ट फंक्शंस। ये काफ़ी एक अहम सिस्टम जो सर्वर होता है कि ये जो CN सपोर्ट में हमारे काम करता है कि जो हमारी आम एडहॉक क्यूरीज होती हैं, रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको, जो बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए जो हमें चाहिए होती हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमें ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसके बाद होता है कनेक्शन सर्वर, असल में ये हमें रियल टाइम कनेक्शन प्रोवाइड करता है डाटा रिसोर्सेज से, जैसे कि अगर आपका ERP है, DBM इसके साथ कनेक्शन है, ई कॉमर्स, ई बिजनेस और जितने भी आपके कनेक्टिविटी वाली चीज़ें हैं उन सबके साथ ही आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है कनेक्शन सर्वर। और आखिर में आपके पास आता है कोलेबोरेशन सर्वर, कोलेबोरेशन सर्वर आपको अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स ग्रुप्स टीम्स एंड एक्सपर्ट टू शेयर डाटा एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। नाम से इसका शो हो रहा है कि कोलेबोरेशन सर्वर है, इसका काम ही है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, टीम्स के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ ये कोलेबोरेट करने में हमें हेल्प करता है।